नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं VA सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है उसके संदर्भ में। तो ये जो एग्ज़ाम है वो आज ही आयोजित हुई थी और आज ही मुझे ये मिली और आज ही मैं इसका रिव्यू जो है वो करने वाला हूं। और कई बच्चों के मैसेज भी आ गए थे, सर इसको बताओ बताओ बताओ। तो चलिए देखते हैं आज का पेपर कैसा रहा, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए, पेपर का स्तर क्या था, सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। ठीक है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये बता रहे थे, सर हम तो गौरी इसका आंसर करके आए। गौरी क्यों करके आए? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो एकीकृत काल माना जाता है वो ऐबक से माना जाता है। ठीक है, 1206 से लेके और 1210 जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का काल रहा और कुतुबुद्दीन ऐबक के काल से ही दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ जो है वो माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक लाइन में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 इज राइट आंसर। ठीक है, और देखिए छोटे प्रश्न रहते हैं इनमें मार्क्स नहीं कटते, अगर आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, आपका उत्तर गलत है तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की शासन अवधि क्या रही। तो ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था, सबको मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उनका शासनकाल कब से कब तक शुरू होता है, तो 1296 से लेके और 1316। ठीक है, 1316 में उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो 20 वर्ष तक उनका शासनकाल था। अगला है कि कृष्ण देव राय की शासन अवधि क्या रही। तो कृष्ण देव राय ये पूछे गए हैं विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य पर मेरा एक बहुत अच्छा लेक्चर जो है, जो वीडियो जो है वो बना हुआ है। और कृष्ण देव राय क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण देव राय को भारत के प्रथम मुस्लिम शासक बाबर ने भारत के सबसे प्रतापी शासकों में शामिल किया है। ठीक है, तो इसलिए इनका शासनकाल जो है वो माना जाता है 1509 से लेके और 29 तक। ठीक है, 1509 से लेके 1529 तक इनका शासनकाल माना जाता है। जब भारत पर बाबर का आक्रमण हुआ था तो उस समय ये क्या थे, सत्ता में थे। तो विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन जो है वे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यह आया था कि बाबर के माता पिता कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इतना इजी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, इसका कमेंट सेशन में आप लोग बताओगे। अगला क्वेश्चन यह है कि पांचवा चौसा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था, कब हुआ था, 1539 में। ठीक है, जून 1539 में चौसा का युद्ध जो है वो हुआ था। किस किसके मध्य हुआ था, अगर पूछा जाता तो आप लोग बताते कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य ये जो युद्ध है वो हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की क्या हुई थी, हार हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा था टोडरमल कौन था। ठीक है, सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन है और सबको मालूम है कि अकबर जो है उसका क्या था, ये राजस्व अधिकारी था। ठीक है, चलो खलीफा कौन थे, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में डाला भी था, एक मैसेज मैंने डाला था कि इस्लाम में जन्मदिन की मनाही है और मैंने उसमें ये मेंशन किया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद जो मुख्य चार खलीफा थे यानी कि इस्लाम के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी जन्मदिन मनाने पर रोक लगा रखी थी। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने ये मैसेज डाला था, अगर जिस बच्चे ने वो पढ़ा था उनको मालूम होगा कि जो खलीफा थे वो मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद इस्लाम के मुख्य संरक्षक थे, इस्लाम के मुख्य कर्ता दाता थे और वही किसी भी मुस्लिम राज्य या मुस्लिम सत्ता को क्या देते थे, मान्यता देते थे। ठीक है, जिसके नाम पर आजकल एक बिल्डिंग बनी हुई है बुर्ज खलीफा, तो वो क्या थे, इस्लाम के संरक्षक थे और धार्मिक रूप से मान्यताएं दिया करते थे। अगला क्या है, पेशवा पद के बारे में क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी है कि जब मराठा साम्राज्य के अंदर छत्रपति यानी कि वहां के शासकों का साम्राज्य खत्म हो गया तो पेशवा पद जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य के अंदर वहां के जो सेनापति हुआ करते थे वो अक्सर पेशवा के नाम से जाने जाते थे और बाद में जब छत्रपति पद समाप्त हो गया तो पेशवाओं का शासनकाल क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सूफीवाद से क्या आशय है। ये भी मैंने धार्मिक आंदोलन जो पेपर में लिखाया था उसमें साफ लिखा था मैंने सूफीवाद, और यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इस्लाम के अंदर एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी मान्यता जो स्मरण, जो सत्संग, जो कव्वाली, जो गीतों के द्वारा आस्था में क्या कर रखती है, विश्वास रखती है।
ठीक है। ये भी कहा जाता है कि इस्लाम के जो अनुयायी थे मोहम्मद पैगम्बर साहब के अनुयायी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया सूफीवाद से क्या आशय है। तो सूफीवाद का सीधा सा मतलब क्या है, वो लोग जो पहले इस्लाम के अनुयायी थे और मस्जिद के आगे रहते थे और सूफी विचारधारा जो है वो विश्वास करती है मनन में, चिंतन में, कव्वाली में, सत्संग में, ठीक है। तो ये जो सूफीवाद की विचारधारा थी जो इस्लाम की ही एक अन्य आइडियोलॉजी थी, विचार थे। तो इसके पीछे दो लॉजिक दिए जाते हैं कि जो सूफी शब्द है वो ऊन से उद्भव हुआ है और वो लोग थे जो इस्लाम का प्रचार जो है वो ऊन के कम्बल ओढ़ के किया करते थे, एक ये लॉजिक दिया जाता है। दूसरा लॉजिक ये दिया जाता है कि जो मस्जिद के आगे भजन कीर्तन किया करते थे वो लोग, ठीक है। तो दोनों आइडियोलॉजी दी जाती है, दोनों के बारे में मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा था। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये आया है जकात क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जकात। तो जकात एक कर है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना जकात, जजिया कर। तो जकात क्या है, एक कर है जो इस्लाम में हर किसी को ये टैक्स जो है वो देना पड़ता था, धार्मिक कर के रूप में इसकी उगाही होती थी, धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग होता था, ठीक है। अपनी कुल आय का 1/45 हिस्सा जो है वो देना होता था, ठीक। अगला जो क्वेश्चन आया था, तुर्कान चेलगानी से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो वही चालीसा मंडल, इसके बारे में भी मैंने प्रश्न पत्र में मेंशन किया था कि ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना, और यही क्वेश्चन आ गया। तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और इसमें उस समय के सबसे प्रभावशाली लोग जो थे वो शामिल थे, अमीर जो शामिल थे, और बलबन के द्वारा इसका क्या कर दिया गया था, दमन कर दिया गया था। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आया था रजिया बेगम के बारे में, इसका भी मैंने मेंशन जो है वो प्रश्न पत्र में किया था, ठीक है। तो काफी सरल पेपर जो है वो रहा है। अगला जो है क्वेश्चन पूछा गया गिरी सुमेर के युद्ध के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने बताया था कि गिरी सुमेर का जो युद्ध है वो शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच होता है 1544 में। तो ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आप इसके बारे में अच्छा जो है वो लिख सकते थे। स्वराज की अवधारणा क्या है, स्वराज, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा, ठीक है। यानी कि भारतीयों का शासन भारत के लिए, ठीक है। एक आइडियोलॉजी दी जाती है कि विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो लेकिन वो स्थानीय शासन से क्या होता है, हमेशा बुरा होता है। तो यही स्वराज की अवधारणा है। आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के पहले जब आंदोलन चलते थे तो उसमें लिखा होता था टोपी पर, हमें स्वराज चाहिए। यानी कि एक ऐसा कानून जो भारतीय लोगों के लिए, भारतीय लोगों के द्वारा और भारतीय लोगों की सहूलियत को ध्यान में रख के तैयार किए जाते हैं। तो ये जो अवधारणा है वो ब्रिटिश काल से संबंधित थी और उसके समय पर भारत के जो लोग थे वो स्वराज की मांग करते थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वराज की जो मांग है वो की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, महाराष्ट्र धर्म क्या है, ठीक है। इसके ऊपर भी मेरा एक अलग से मैंने लेक्चर जो है वो बनाया हुआ था। महाराष्ट्र धर्म, जो महाराष्ट्र के अंदर जो प्रमुख संत हुए थे, महाराष्ट्र के अंदर जो प्रमुख पुनर्जागरण काल जो चला था, महाराष्ट्र के अंदर सामाजिक कुरीतियों का विरोध जो चला था, तो वो था महाराष्ट्र धर्म, जिसमें नामदेव का नाम प्रमुख आता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो जो है वो मैंने पहले ही बना दिया था। अगला है सुल्तान और बादशाह से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुल्तान और बादशाह से आप क्या समझते हैं, क्या इसका क्या आशय होता है। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसको शायद सही करके आए या नहीं करके आए, मुझे नहीं मालूम। तो देखिए सुल्तान जो है ना, सुल्तान नाम आपने सुना होगा, तो मुस्लिमों के अंदर, ठीक है, मुस्लिम जो होते थे खास करके जो अफगानी लोग होते थे उनके बीच में बहुत प्रचलित था। और खास करके जो सल्तनत शब्द है, यानी कि सल्तनत काल के जो राजा हैं उनके लिए सुल्तान शब्द जो है वो प्रयोग होता था। अच्छा आप लोग कहोगे सर टीपू को भी तो सुल्तान कहते थे, ठीक है, टीपू भी तो सुल्तान था। तो सल्तनत कालीन समय पर जो राजा हुए उनको सल्तनत कहते थे, और जो मुगल काल पे जो राजा हुए थे जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, तो ये सभी लोग क्या थे, बादशाह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो सल्तनत कालीन राजा और मुगल कालीन राजाओं के समय की शब्दावली के अनुरूपित इन दोनों शब्दों को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, ठीक है। देखो ये आगे गंगा यमुना संश्लेषण क्या है, ठीक है। तो प्रयागराज से जुड़ी हुई जहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है, तो आप लोग कहोगे सर सरस्वती का भी तो होता है, तो सरस्वती गुप्त रूप से यहाँ पे मिलती है, ऐसी सामाजिक मान्यता है इलाहाबाद, ठीक है। कहाँ पे, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि इलाहाबाद का अर्थ क्या होता है, अल्लाह का शहर, ठीक है, इसीलिए उसका नाम बदल दिया गया, क्योंकि
उस शहर का इस्लाम से कोई लेना देना था नहीं। उस समय के शासकों ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था, लेकिन ये गलत है क्योंकि अल्लाह का इस शहर से कोई वास्ता कभी रहा नहीं इतिहास में, इसलिए वापस इसको बदल के क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये 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 क्वेश्चन बहुत ही इजी आया है, खुर्रम। ठीक है, सांझा के बारे में पूछा है, तो सांझा के बारे में तो आप लंबा चौड़ा कितना भी लिख सकते थे, 4 मार्क्स का पूछा है। ठीक है, अगर आपको पता होता कि खुर्रम सांझा है तो आप लंबा चौड़ा लिख सकते थे। जात और सवार क्या है? ठीक है, तो जात और सवार जो है वो कई बार मैंने बताया था कि एक प्रकार से जो उस समय के दरबारी होते थे उनको जात और सवार दी जाती थी, पद के प्रकार में होते थे। जात का मतलब है उसको दिया जाता था 5,000 रुपये की मनसबदारी, 4,000 की मनसबदारी, और सवार का मतलब होता था उनके पीछे घोड़े जो हैं वो दिए जाते थे। कोई अपने साथ 5,000 के घोड़े रखता था, कोई 4,000 रखता था, जितना मनसब होता था उतनी उनको सवार जो है वो दी जाती थी। तो सामान्य प्रश्न है, एक चिंतनशील और एक गंभीर जो विद्यार्थी होते हैं इतिहास के, उनके लिए ये पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। हो सकता है कि मैं मेरी नज़रों में इसको बना रहा हूँ, लेकिन जो बच्चा रेगुलर क्लास में बैठ के पढ़ता है और जिन्होंने मेरे जो वीडियो पढ़े हुए हैं वो अगर सुने भी हैं, तो मैं कहता हूँ कि उस बच्चे का बहुत अच्छा पेपर जो है वो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमने पेपर दिए थे अगर वो भी सीरियस होगी, किसी बच्चे ने पढ़े होंगे, तो उनका पेपर भी क्या है, बहुत बेहतर गया होगा। देखो ये क्वेश्चन आया था लोअर रक्त की नीति के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ पे बलवन आ गया पूरा, तो बलवन के बारे में भी मैंने मेंशन किया था कि बलवन आपको पढ़ के जाना है। अगला जो है वो खिलजी साम्राज्यवाद का विवरण आपको देना है, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आप लोग, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी हुआ, ठीक है, अलाउद्दीन हुआ, तो खास करके इसमें अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था और शासन प्रबंध का आप मेंशन करते तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर जो है वो होता। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बताइए, तो वही आपको सुलह कुल की नीति, ठीक है, तो दीन इलाही, इबादत खाने का निर्माण, तो ऐसे पॉइंट बना के आप लिखते तो क्या मज़ा आता क्वेश्चन लिखने में, और मुझे उम्मीद है आप लोग लिख के भी आए होंगे। अगला जो है वो मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की नीतियों का परिणाम कीजिए। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियाँ, औरंगजेब के दक्षिणी अभियान, औरंगजेब के बाद के शासकों के कमजोर उत्तराधिकारी, तो ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो औरंगजेब के समय की रही हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों का आगमन, तो इस प्रकार ये जो पेपर है वो आपका रहा। और देखो स्थापत्य कला से क्वेश्चन आ गया, अकबर से सांझा का जो काल है उसकी स्थापत्य कला की बातें पूछी गई हैं। एक जो है वो भक्ति आंदोलन वाला क्वेश्चन आ गया, ये मैंने पूरा का पूरा जो है वो पहले ही बता दिया था कि भक्ति आंदोलन आपको याद करके जाना है, मैंने 2-3 बार कहा था भक्ति आंदोलन आपको याद करके जाना है। तो पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा रहा मेरे हिसाब से, मेरे अनुरूप, और एक ऐसा प्रश्न पत्र होना भी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने मेहनत की होगी। ठीक है, अगर आपने सच में मेहनत की होगी।